ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग यार SQL डाउनलोड के लिए देखेंगे। तो SQL डाउनलोड के लिए मैंने तो यहाँ पे MySQL डाउनलोड ऑलरेडी सर्च करके रख रखा है, आप भी सर्च कर लेना। और MySQL पे क्लिक करोगे, MySQL पे जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा MySQL कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप नॉर्मली ओपन करते हो तो ऊपर की तरफ ना यहाँ पे देखो, यहाँ की तरफ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, MySQL की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाते हो तो। नहीं तो फिर डाउनलोड पे अगर क्लिक होगा तो ऐसा आ जाएगा अपने आप ही आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक है विंडो इंस्टॉलर, ठीक है, इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, इसको डाउनलोड कर लोगे। नीचे वाले को डाउनलोड करना, ठीक है, नीचे वाले को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करोगे नो जस्ट डाउनलोड, अगर आप क्या कहते हैं इनका कुछ जो फोल्ड वो है अकाउंट है वो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्टली जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड होने देते हैं इसे, ठीक है। जैसे डाउनलोड होगा ओपन कर लेना फाइल को, वैसे मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो डायरेक्ट चलते हैं। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल करने के बाद ना नेक्स्ट 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 करके आ जाना आप, और उसके बीच में ना एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ID पासवर्ड डालना होगा। वो पासवर्ड जो भी डालोगे वो याद रखना, बस आपको बस सिंपली डाउनलोड करना है, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके बीच में ID पासवर्ड का ऑप्शन ज़रूर आएगा, ठीक है। वो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये MySQL कमांड लाइन करके एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना और पूरा ओपन कर लेना, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है ये, ठीक है। इसके अंदर मैं पासवर्ड डालूंगी अपना, जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा वहाँ पे वो अपना पासवर्ड डाल देना, ठीक है। अब जैसे ये हमारा पूरा MySQL ऑन हो गया है, अब क्या करना है आपको, ठीक है। अब ना आपको सबसे पहले तो देखो क्रिएट कर लेना एक डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस लिखना है, क्रिएट डेटाबेस करने के लिए। और उसमें कुछ भी अपना नाम लिख देना, मैं यहाँ पे ईज लिख देती हूँ, ठीक है। ईज लिख के सेमी कॉलन लगाऊंगी, ओके करूंगी। मेरे पास एरर आया, आपके पास नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ईज नेम का ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कांट क्रिएट डेटाबेस बिकॉज ईज डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इस वजह से मैं नहीं बना सकती फिर से। अच्छा, अगर आपका डेटाबेस बना नहीं बना, ये चीज़ आपको देखने के लिए करना है शो डेटाबेसेस, ठीक है, और सेमी कॉलन करोगे अपने आप आ जाएगा। डेटाबेसेस बहुत सारे बने हुए हैं मेरे पास, तुम्हारे पास भी बहुत सारे ऑलरेडी भी बने हुए होंगे, क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट में बने रहते हैं कुछ कुछ तो। नाउ अब ये करने के बाद इसको ना यूज डेटाबेस कर लोगे। डेटाबेस का नाम मेरा क्या है, ईज, ठीक है, तो मैं ईज लिख दूंगी और सेमी कॉलन लगा के स्टार्ट कर दूंगी। बस अभी के लिए इतना सा ही काम करना है आपको, मैं तो बंद करके रख रही हूँ। अभी नेक्स्ट से हम लोग DDL DML ये सब चीज़ें सीखेंगे, अभी के लिए बस इतना छोटू सा काम कर देना आप। और इंस्टॉल करना मैंने सिखा दिया, जिनको इंस्टॉल करना मतलब जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो वो लोग ऑनलाइन कंपाइलर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने ट्राई करके देखा एंड बहुत ज़्यादा बुरा था, तो फिर मैंने प्रॉपरली क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह डाउनलोड करना पड़ा मुझे फालतू में। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही, होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। बाय बाय।